स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग लेसन 2 वैद्युत तथा विभवांतर का जो है अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोगों का जो है आज का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में ये जान चुके हैं कि यदि किसी भी दो आवेशकों या तो समान प्रकृति के हों या विपरीत प्रकृति के हों, आवेश कैसे भी हों, समान प्रकृति के हों या विपरीत प्रकृति के हों, अगर उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया जाता है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है, ऐसा हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है, और यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच आकर्षण बल काम करता है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यदि दो आवेश हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो यदि किसी के बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, मान लीजिए कि दो आवेश हैं और दोनों बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक ऑलरेडी दूसरा कोई आवेश है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। तो प्रतिकर्षण बल काम करने का मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, दूर हटाएंगे। और अब यदि हम इन दोनों को नज़दीक ले आए, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है लेकिन फिर भी अगर इन दोनों को हम नज़दीक ले आते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ेगा। तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि कोई दो आवेश हैं, एक मान लीजिए प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो यहाँ तो आकर्षण बल काम करेगा। तो आकर्षण बल काम कर रहा है और यदि हम जो है इनको क्या कर रहे हैं, इनको जो है दूर ले जा रहे हैं। आकर्षण बल काम कर रहा है और इनको हम क्या कहाँ ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो इनके आकर्षण बल के विरोध में पुनः एक कार्य करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बल चाहे आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण लगे, अगर हम उनके बीच की दूरी को परिवर्तित करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य उन दोनों आवेशों के द्वारा बने हुए निकायों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, और उस स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये इसका व्यापक परिभाषा है, और हम जो समझाया है वो इसका बहुत सामान्य परिभाषा था। तो दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर जो निकाय बन रहा है, उस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब इसको समझिए कि परिभाषा के अनुसार जो है ऊर्जा कैसे हुआ। वैसे तो हमने बताया कि यदि दो आवेशों को आप जो है दो आवेशों के बीच की दूरी घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को हम क्या कहेंगे, वह कार्य जो है उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा, और उस ऊर्जा को हम कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक अन्य कोई आवेश है क्यू जीरो, और ये कहाँ पर है, अनंत पर है। अब इन दोनों आवेशों को अनंत से उठाकर एक निकट दूरी पर, मतलब छोटी दूरी पर परस्पर निकट ले आकर इनको व्यवस्थित कर दिया जाता है। इन दोनों आवेशों को अनंत से उठाकर एक दूसरे के निकट व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो इन दोनों को अनंत से उठाकर एक दूसरे के निकट व्यवस्थित करने में जो किया गया कार्य होगा, उसे हम कहेंगे कि इस निकाय की क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये रहा परिभाषा। इस अगला टॉपिक है दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो एक बार हम पुनः बता देते हैं कि यदि दो आवेशों को अनंत से उठाकर एक निकट दूरी पर ले आकर उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, दो, चूंकि हम लोग का टॉपिक क्या है कि दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर दो आवेश की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बताया कि दो आवेश, एक प्लस क्यू और एक जो है ऑलरेडी दूसरा कोई आवेश मान लेते हैं, और ये कहाँ पर है, अनंत पर है, तो अनंत से उठाकर इनको हम एक दूसरे के निकट अगर कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर दें तो इनको यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले आने में जो किया गया कार्य है उस कार्य को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ से हम अनंत से किसी आवेश को कहीं पर रखना है तो वो जगह निश्चित होना चाहिए। यदि आप अनंत से आवेश को, हम कहें कि आप अनंत से एक आवेश को उठा कर ले आकर कहीं रखिए, तो कहाँ रखेंगे, कोई जगह निश्चित होना चाहिए। जबकि हमारे पास परिभाषा यह बताता है कि परिभाषा में किसी जगह का जो है वो चर्चा नहीं किया जा रहा है, उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अनंत से उठाकर एक दूसरे के करीब रख दे रहे हैं तो वहाँ तक रखने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यदि उसका हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन डेफिनेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो जो है काफ़ी दिक्कत होगा, डेफिनेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से अनंत से आवेश को उठाकर एक दूसरे के नज़दीक रखने में जो किया गया कार्य है वो कार्य जो है निकल नहीं पाएगा। इसलिए उस डेफिनेशन को हम थोड़ा दूसरे एंगल से देख रहे हैं और हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो है अच्छी तरीके से समझिए कि यहाँ हम दो चित्र बना रहे हैं और दोनों चित्रों के माध्यम से हम समझा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर दो भाग में समझा रहे हैं, एक जो है सामान्य तरीका है, सामान्य तरीके से ही समझ में आएगा बेहतर, और एक ये परिभाषा है। तो परिभाषा के हिसाब से दो आवेश मान लीजिए, प्लस क्यू और एक अन्य आवेश है, ये दोनों अनंत पर हैं। परिभाषा यह कहता है कि अगर इन दोनों आवेशों को जो कि अनंत पर है इसको उठाकर आप एक सूक्ष्म दूरी पर इन्हें क्या कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए, तो अनंत से इन दोनों आवेशों को उठाकर एक निकट दूरी पर या सूक्ष्म दूरी पर या अल्प दूरी पर व्यवस्थित करने में जो किया गया कार्य होगा उस कार्य को हम क्या कहेंगे, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन इसको थोड़ा अगर दूसरे एंगल से कहें, अगर मान लीजिए कि यहाँ की जो ऊर्जा है वो मान लेते हैं ई है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से इन दोनों निकायों को उठाकर एक दूसरे के करीब व्यवस्थित करने में जो किया गया कार्य है उस कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, और मान लेते हैं कि इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना है, ई है, और इनके आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखें तो हम यह मान लेते हैं कि एक आवेश पहले से मौजूद है, एक आवेश क्या है, पहले से मौजूद है, और जब आवेश मौजूद होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र होता है, और हम अब क्या कर रहे हैं कि इस दूसरे आवेश को उठाकर इस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर हम ले आके रख दे रहे हैं। तो बात तो यही हुआ कि यहाँ भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर है, यहाँ भी दोनों आवेश के बीच की दूरी आर है, तो चूंकि इन दोनों को अनंत से उठा कर ले आने में जो किया गया कार्य है उस कार्य को हम कहेंगे इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। और दूसरे एंगल से देखें तो यदि यह आवेश पहले से मौजूद है, इसके कारण चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि इस क्यू जीरो आवेश को उठाकर इससे हम आर दूरी पर ले आकर रख रहे हैं, तो यहाँ पर इस क्यू जीरो आवेश को अनंत से यहाँ पहले वाले आवेश से आर दूरी पर ले आकर रखने में जो किया गया कार्य है वह कार्य यहाँ के कार्य का क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि जितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ होगा उतना ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ भी होगा, मतलब कि इन दोनों को उठा के आर दूरी पर ले आकर व्यवस्थित किया जाए तो उस स्थिति में किया गया कार्य इक्वल टू इस आवेश के पास आर दूरी पर अनंत से इस आवेश को ले आकर आर दूरी पर रखने में किया गया कार्य दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत आएगी तो हम कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, यहाँ से जो है बेहतर तरीके से निकलेगा। तो दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस टॉपिक में।
हम यह मान लेते हैं कि पहले से एक आवेश Q मौजूद है और अनंत पर एक आवेश क्या है Q0 है, तो Q0 नहीं मानते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं Q2। तो इसके कारण चारों ओर कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा और हम क्या कर रहे हैं कि Q2 आवेश को अनंत से उठाकर Q1 से हम r दूरी तक, Q1 से r दूरी पर जो है लेकर रख दे रहे हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि इस Q2 को जब हम यहाँ पर इस Q1 से r दूरी पर हमने जब ले आकर रखा तो इस बिंदु P पर इस Q1 के कारण विभव कितना हो गया V, और इस Q2 को यहाँ तक ले आने में जो किया गया कार्य है वो कितना है W। एक बार पुनः समझिए कि एक आवेश Q1 है, चूँकि हम दूसरे एंगल वाला के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहले एंगल के हिसाब से देखें तो इन दोनों आवेशों को Q1 तथा Q2 दोनों को उठा के हम एक दूसरे से r दूरी पर व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो किया गया कार्य होगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो Q1 को हम पहले से यहाँ पर स्थित करा दिए हैं कि पहले से मौजूद है यह, अब Q2 को उठाकर यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों बात एक ही है, थोड़ा कहने का तरीका बस अलग अलग है। तो हम यह मान ले रहे हैं कि Q1 पहले से क्या है, मौजूद है। एक बार पुनः देखिए, Q1 पहले से मौजूद है और हम Q2 को अनंत से इस Q1 से r दूरी पर ले आकर रख दे रहे हैं। तो रखने पर, यहाँ पर ले आकर रखने पर जो किया गया कार्य है वो कितना हमने मान लिया, वो हमने मान लिया W है। और चूंकि हम इस Q1 का जो वैद्युत क्षेत्र है उसी में Q2 को ले आकर रख रहे हैं तो r दूरी पर इस Q1 के कारण जो विभव है हम वो कितना मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो अगर विभव के फार्मूले के हिसाब से देखें तो इस Q1 के कारण Q2 जहाँ पर आया है r दूरी पर, इस बिंदु को P मान लेते हैं, तो इसके कारण जो विभव होगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बटे r, क्योंकि बिंदु P पर इस Q1 के कारण विभव कितना हो गया V, जो कि फार्मूला है 1/4πε0 Q1 बाई r। अब चूंकि हम Q2 आवेश को भी उसी को तो हम P पर ले आ रहे हैं तो P पर हमने विभव ज्ञात किया, ये निकल गया। अब Q2 आवेश को आप P पर ले आ रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने कितना कार्य किया, W, कितना कार्य किया W, और बिंदु P तक ले आने में किया गया कार्य W है और बिंदु P पर विभव कितना है, भी है। तो अगर विभव का परिभाषा देखें तो विभव का परिभाषा होता है भी इक्वल टू, विभव का परिभाषा हमने क्या बताया था, यदि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आते हैं तो उस बिंदु पर जो विभव होगा भी, वह उस बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा उस बिंदु आवेश के अनुपात के बराबर होगा। ये परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं जहाँ पर वैद्युत विभव हम शुरुआत किए थे लेसन का, तो लेसन के शुरुआत में ही इस चीज़ को बताया गया है कि डेफिनेशन है वैद्युत विभव का, कि जिस आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र में ले आ रहे हैं तो जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो उस बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य तथा जिस बिंदु आवेश को ले आ रहे हैं उसका अनुपात, अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो यहाँ से अगर हम V का मान रख दें समीकरण एक से, तो समीकरण एक से V का मान रखें तो उसका मान हो जाएगा V का मान W बाई क्यू। देखिए V पर ये तो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, और V का मान परिभाषा से इसको हम कह सकते हैं, ये परिभाषा से हो गया, तो परिभाषा से V का मान हम रख दे रहे हैं तो ये हो गया W बाई Q2 और इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बटे R। R जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इस Q2 को भेज दीजिए उधर तो W का मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 तो पहले से है, Q2 जाके गुणा हो जाएगा Q2 बटे R। ये क्या निकला, ये निकला Q2 आवेश को इस Q1 से R दूरी पर स्थित बिंदु P तक ले आने में किया गया कार्य। और परिभाषा के हिसाब से यदि मान लेते हैं कि दोनों आवेश अगर Q1 और Q2 अनंत पर है
और अनंत से इन दोनों को एक दूसरे से आर दूरी पर अगर व्यवस्थित करते हैं तो वहाँ भी किया गया कार्य क्या होगा, इतना ही होगा। तो दोनों कंडीशन में किया गया कार्य क्या होता है, बराबर होता है। या तो आप Q1 को स्थिर रख के Q2 को अनंत से उठा के ले आइए और आर दूरी पर व्यवस्थित कर दीजिए, और नहीं तो दोनों आवेशों को अनंत से उठा कर ले आके आर दूरी पर व्यवस्थित कीजिए, तो दोनों कंडीशन में किया गया कार्य जो है यही निकलेगा। और इसी किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जो कार्य है वही ऊर्जा है, तो यही क्या कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा। और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को हम किसे दिखाते हैं, यू से दिखाएंगे, तो यू का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। और चूंकि ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो यहाँ से U=1/4πε0 ये नियतांक हो गया। यह Q1 Q2 वह आवेश है जिनके जिनसे मिलकर निकाय बना है, दो आवेश हैं, जैसा कि हम लोगों का टॉपिक है दो बिंदु आवेशों की निकाय के कारण, ये दोनों बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कितना है, R है। तो इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक बार हम पुनः समझाते रहे हैं कि दो बिंदु आवेश से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, परिभाषा के हिसाब से कि दोनों बिंदु आवेशों को अगर आप अनंत से उठाकर एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर दें, तो व्यवस्थित करने में जो किया गया कार्य होगा उस कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लेकिन इसका दूसरा एंगल यह कहता है कि यदि आप एक आवेश को पहले से यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए हैं तो दूसरे आवेश जो कि अनंत पर है, उस अनंत से उठाकर इस आवेश से अल्प दूरी पर रखने में, अनंत से उठाकर इससे अल्प दूरी में रखने में जो किया गया कार्य होगा वो कार्य भी क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ही कहलाएगा। और दोनों कंडीशन में ऊर्जा क्या होगा, बराबर होगा। तो परिभाषा के हिसाब से कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया कि उसका दूसरा एंगल से इसका कैलकुलेशन किया और ये फार्मूला हो गया। तो ये वीडियो जो है कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी क्लास 12 फिजिक्स का अध्ययन चलता रहे। धन्यवाद।